हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से आपका टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कराया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायनिलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त एओर्टा यानी कि महाधमनी में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दाब को क्या कहते हैं? तो इस रक्त के दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, जब बायनिलय में रक्त मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व वाल्व के रास्ते बाय अलिंद में से आता है बायनिलय में, तो इस दौरान रक्त का दाब धमनियों पर घट जाता है। इसके न्यूनतम रक्तदाब को हम क्या कहते हैं? तो डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय में कौन सा निलय यानी कि वेंट्रिकल बड़ा होता है? तो बाया वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया निलय बड़ा होता है, क्योंकि बाया निलय को ज्यादा संकुचन होना पड़ता है, ज्यादा कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है, हृदय के निलियों को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो दोनों निलियों को जैसे कि दोनों निलियों को विभाजित करने वाली रेखा को वेंट्रिकल सेप्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है, बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? तो उस हृदय को एथलीट हार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते किसे हैं? जब बायनिलय के द्वारा रक्त एओर्टा यानी कि महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में भेजा जाता है, तो उस एक बार भेजने पर जितना रक्त जाता है शरीर की ओर, उसे ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि एक धड़कन, हृदय की एक धड़कन में यानी एक बार में जितना रक्त शरीर की ओर पंप किया जाता है बायनिलय के द्वारा, वही होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक बार में यानी एक धड़कन में जो पंप किया जाता है हृदय द्वारा, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और एक मिनट में जितना पंप किया जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो एक अच्छे खिलाड़ी का सामान्य अवस्था में, सामान्य नॉर्मल स्थिति में तो 70 होता है यानी हार्ट रेट के बराबर। बट जब अच्छे खिलाड़ी हो उसका हार्ट रेट 110 होता है, कहीं कहीं 120 भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 110 से 120 होता है मिलीलीटर, ठीक है, एमएल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? सामान्य यानी कि नॉर्मल स्ट्रोक, नॉर्मल व्यक्ति का जो होता है वो 70 एमएल होता है। नेक्स्ट है, अगर एक खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 एमएल है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? तो खेलते समय दोस्तों उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 150 एमएल होगा। कितना होगा? 150 एमएल होगा, ठीक है। जैसा कि आप जाने कि नॉर्मल स्थिति में 70 एमएल, एक अच्छे खिलाड़ी का 110 से 120 एमएल, और जब वह खेल रहा है, खेलते समय अभ्यास कर रहा है, उस समय 150 एमएल, ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? तो खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं दोस्तों? एक मिनट में जितना हमारा हृदय शरीर की तरफ रक्त को पंप करता है उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसके निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 70 और हार्ट रेट 72, दोनों को आप गुणा करेंगे तो आएगा 5.04 यानी कि 5 लीटर के बराबर। तो आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर लगभग। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो अभ्यास के दौरान
एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट 25 लीटर के लगभग होता है। नेक्स्ट है एक अच्छे खिलाड़ी का, कोई एक अच्छा खिलाड़ी है तो एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो 40 लीटर। नेक्स्ट है दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट यानी कि हृदय का धड़कन कितना बार धड़कता है, कितना होता है, तो एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट होता है 40 से 55। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल स्थिति में पूछेगा तो आपका 72 बार धड़कता है, बट एक अच्छे खिलाड़ी का प्रशिक्षित खिलाड़ी है वो, तो उसका 40 से 55 बार होता है, यानी कि हृदय अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, जितना आप धीरे धीरे आराम से सांस लेंगे उतना ही आप कम जल्दी थकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सिद्धांत लागू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का पूछा है, तो सामान्य व्यक्ति हम लोग कितना, मतलब कि बिना अभ्यास किए या सामान्य जो अच्छा खिलाड़ी नहीं है या प्रशिक्षित नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति का 72 बार धड़कता है, तो यहाँ पे आपका 70 से 80 बार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है, जब कोई अभ्यास कर रहा है तो उस समय आप देखते हैं कि अभ्यास करते करते आपका धड़कन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको सहन शक्ति नहीं होती है, यानी कि उस समय हार्ट रेट आपका 160 से 180 तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी यानी ट्रेंड एथलीट है, उसके हृदय का भार कितना होता है, जैसे कि हृदय का भार आपका 300 से 350 ग्राम होता है, बट एक प्रशिक्षित ट्रेंड है, प्रशिक्षित खिलाड़ी है, तो उसके हृदय का भार अभ्यास करते करते हृदय बड़ा हो जाता है, तो 500 से 550 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है, तो सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार हो जाता है 300 से 350 ग्राम। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है, तो एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन 14 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन कितना होता है, अच्छे खिलाड़ी का तो 14 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट हो गया। ठीक है, एक सामान्य खिलाड़ी है, नॉर्मल खिलाड़ी, उसका 11.9 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन लगभग कितना होता है, तो एक खिलाड़ी अभ्यास कर रहा है उस समय कितना हृदय का आयतन लगभग हो जाता है, तो 20 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कोशिकाओं RBC पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब रक्त बढ़ेगा तो RBC भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं की क्या है, संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों समस्त रक्त बढ़ेगा तो रक्त की समस्त कण बढ़ेंगे, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब आप अभ्यास करेंगे, जैसे कि आप पहली बार अभ्यास करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी बन जाता है, यानी कि हमारे शरीर में थकावट किस कारण से होती है, जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमने लगता है तो हमारे शरीर में थकावट होती है, कुछ समय आराम करते हैं तो वही लैक्टिक एसिड फिर से ऊर्जावान हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर हमारा थकावट दूर हो जाता है। तो जब हम शारीरिक अभ्यास के कारण प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस समय अभ्यास करते करते हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हमको देर से थकान होता है, यानी कि देर से लैक्टिक एसिड बनता है, यानी लैक्टिक एसिड बनना घटेगा, क्या इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, घटती है। नेक्स्ट, मांसपेशियों यानी कि मसल्स, लीवर और लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे मांसपेशियों और लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन, उसी से ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे मांसपेशियां संकुचित होती है, तो क्या होगा, तो ग्लाइकोजन की संग्रहण की क्षमता जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। ठीक है, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यायाम में ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड आयतन होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कठोर व अत्यधिक व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहती है, तो दोस्तों कठोर व्यायाम अत्यधिक चीज तो हमेशा बुरा होता है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों लगातार अभ्यास करेंगे तो हर एक चीज गुड होगा,
रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ता है तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाता है, यानी कि मधुमेह हो जाता है। तो रक्त में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो लगातार अभ्यास के कारण वो ठीक हो जाता है, यानी कि घटती है, शुगर की मात्रा क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है, ये बात सही है। एंड हृदय के दायें नीले द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं नीले से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है, ये भी सही है। एंड रक्त में बुफर क्षमता आ जाती है वो मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं, तो ऑल गुड यानी कि उपरोक्त सभी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको एथलीट हार्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बार बार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों यानी कि आर्टरीज का व्यास यानी कि जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, अधिक रक्त के संचरण के लिए इसको हम क्या कहते हैं, तो बार बार अभ्यास से हमारे धमनियों का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है, उसको हम वैसोडाइलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं, तो पल्स प्रेशर यानी कि नाड़ी दाब बोला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त प्रवाह यानी कि धमनियों का व्यास स्क्वायर नामक सूत्र का सूत्र क्या मापता है, यह मापता है रक्त प्रवाह का वेग, क्या मापता है, रक्त प्रवाह का वेग। नेक्स्ट है दोस्तों, गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर हृदय में कहाँ स्थित होता है, जो पेस मेकर होता है दोस्तों दाएं अलिंद में यूस्टोकियन कपाट के पास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो पेस मेकर क्या होता है, हमारे हृदय की क्रिया को नियंत्रित करता है, हृदय मसल्स को जो हमारे मस्तिष्क से यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है इम्पल्स यानी तंत्रिकाएं, वो पेस मेकर के द्वारा हमारे हृदय की क्रिया विधि को नियंत्रित किया जाता है, मसल्स को संकुचित किया जाता है, जिससे हमारे हृदय में कपाट जो होते हैं अलिंद निलय वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिससे रक्त पंप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड शिथिलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है, क्योंकि यानी कि जो सिस्टोलिक दाब होता प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रकुंचन के समय रुधिर वाहिनियों में दबाव के साथ भेजा जाता है, यानी कि प्रकुंचन के समय जो रुधिर होता है वह धमनियों में दबाव के साथ भेजा जाता है, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर के समय वो ज्यादा दाब होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर व हार्ट बीट की दर पर नियंत्रण करता है, कौन सा हार्मोन है दोस्तों, लड़ो या उड़ो हार्मोन जिसे कहा जाता है, यानी जीवन रक्षक हार्मोन जिसे कहा जाता है, उसका नाम है एड्रेनलिन। यह क्या करता है, हमारा हार्मोन यह एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है यह ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की दर पर नियंत्रण करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वेन यानी सीरा और आर्टरी यानी धमनी आपस में किस प्रकार से भिन्न है दोस्तों, तो किस प्रकार से भिन्न है, बहुत सारे धमनी और सीरा इनके बीच क्या होता है, ये भिन्न है आपके रुधिर संवहन के नियंत्रण के लिए क्या होते हैं, कपाट होते हैं, इन कपाटों के कारण ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो जो कैरोटिड धमनी होती है कैरोटिड आर्टरी, यह हमारे मस्तिष्क को शुद्ध रुधिर पहुंचाती है, जैसे कि दोस्तों जो हमारे महाधमनी होती है जो बाएं नीले से हमारा रक्त महाधमनी से उसकी विभिन्न शाखाओं के द्वारा समस्त शरीर में भेजता है, तो महाधमनी से पहली शाखा निकलती है मुख्य शाखा कोरोनिस आर्टरी यानी कि कोरोनरी धमनी जो हमारे हृदय को रक्त सप्लाई करती है, उसके बाद आपका निकलता है दाएं और बाएं कैरोटिड धमनी है जो हमारे शरीर के सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को रक्त पहुंचाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कैरोटिड आर्टरी किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो शुद्ध रुधिर बहता है इसमें मस्तिष्क को यानी कि हमारे शरीर के सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को खून पहुंचाती है, तो यहाँ मस्तिष्क में दिया है तो मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर सही होगा। एंड दोस्तों, उसके बाद आपका बढ़ता है धमनी दाई और बाई सब केलियन धमनियां, ये हमारे कंधों और भुजाओं को रक्त पहुंचाती है, उसके बाद ये सीधे चली जाती है दाई बाई इलियक धमनी में बढ़ जाती है जो हमारे पेट
पेल्विक क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है। उसके बाद ये नीचे टांगों तक चली जाती है, जिसको फीमोरल धमनी कहते हैं, जो हमारे टांगों पर को रक्त पहुंचाती है। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों, गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर, जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करती है, पेस मेकर प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है दोस्तों, हमारे हृदय की पेशियों को संकुचित करता है, गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लसिका यानी कि लिम्फ, रुधिर यानी ब्लड में ब्लड से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि लसिका में लाल रुधिराणु अनुपस्थित होता है, क्या होता है, आरबीसी नहीं होता है, उसमें जल की मात्रा होता है, प्लेटलेट्स अनुपस्थित होता है, और श्वेत रुधिराणु अनुपस्थित होता है। नो, यहाँ पे आपका सही होगा, लाल रुधिराणु जो होता है वो अनुपस्थित होता है और सब क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो लसिका और ब्लड दोनों में क्या अंतर है कि लसिका में रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तकों में पदार्थों की अदला बदली किसके बीच होती है। तो उत्तकों में पदार्थों की अदला बदली होती है, रुधिर कोशिकाएं उन उत्तकों को अच्छा पदार्थ देती है, पोषक पदार्थ, उनसे जो खराब पदार्थ होती है वो ले करके पुनः हमारे हृदय में बायनिले में आती है, वहां से फेफड़ों में जाकर के शुद्ध होकर के फिर बायनिले से जाकर के एओटा यानी महाधमनी के द्वारा फिर पुनः शरीर में भेजा जाता है। तो यहाँ पे रुधिर कोशिकाएं तथा उत्तक कोशिकाओं के बीच ट्रांसफर होता है। ठीक है, अदला बदली होता है। नेक्स्ट है गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर या यस्य गांठ कहाँ स्थित होता है, तो यह हमारे हृदय में स्थित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यूस्टे कियन कपाट कहाँ स्थित होता है, तो इस यूस्टे कियन कपाट के पास ही हमारा पेस मेकर होता है, यह कहाँ स्थित होता है, तो यह हृदय के दाएं नीले में स्थित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।